ये है मेरा घर। तुम लोग क्या खेल रहे हो? मैं भी खेलूंगा। हम लोग कलगल खेल रहे हैं। मैं भी खेलूंगा। मेरा घर कौन सा है? तेरे लिए घर कोई खाली नहीं है, तू बेघर है। ये चींटी अपने बड़े भाई को बेघर बोलती है। बेघर नहीं गिलू, बेघर मतलब बिना घर का। तू बिना घर का है और हम बिना कपड़ों के। पिंटक प्रसाद, तुम क्या सब्जी की दुकान से आ रहे हो या वो दर्जी की दुकान से? मेंढक प्रसाद, जिम करके आ रहा है क्या? शेम 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 मेंढक शेम 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 मेंढक शेम 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 शेम। थैंक यू। अरे मेरा कंपार्टमेंट बाहर से किसने बंद किया? अरे मिंडू, जल्दी से दरवाजा खोल, मुझे बाथरूम जाना है। अबे तुझे बाथरूम जाना है तो मुझे क्या शोरूम जाना है? ए मेंढक कहीं के, दरवाजा खोलना। अरे आप खोलेगा तभी तो दरवाजा खोलेगा। रुकिए, मैं जगाती हूँ। गोमुख भैया, ये वो देखो, ये ना ये मेंढक प्रसाद नहीं है, कॉमेडी प्रसाद है। खुद का नाम सुन के हिला भी नहीं और गोमू का नाम सुन के खड़ा हो गया। मेंढक प्रसाद सुन, हमारा दरवाजा बाहर से बंद है, खोल खोल। भाभी, हमने कल रात को दरवाजे पे ताला लगाया था। क्या, तूने हमारी चेन पुलिंग क्यों की? लेकिन भैया, रात को ना घर में कुत्ता आ गया था तो? वो बार बार आपके कमरे की तरफ आ रहा था तो हमने जल्दी से आपके कमरे पे ताला लगा दिया, वरना वो अंदर घुस जाता। अबे बेवकूफ, कमरा तो अंदर से बंद रहता है ना। हाँ। जल्दी चाबी ला और खोल इसको। हाँ। जल्दी कर। भाभी, हमने चाबी खो दी। क्या? चाबी खो दी? मुझे स्कूल जाना है, उससे पहले बाथरूम जाना है। अबे तो मुझे क्या शोरूम जाना है। अबे तूने कैसे चाबी खो दी? हम दिखाते भैया। अभी दिखाएगा? हाँ। भैया अपने ब्रीफ केस की चाबी देना जरा। कहाँ रखी? ये नहीं मानेगा, उधर है देख। ये लीजिए चाबी। दो। ले ले। भैया हाँ, ऐसे ही हमने ना कमरे की चाबी जेब में रखी भैया, तभी वो कुत्ता हमारी तरफ आया। हम उसको देख के थोड़ा पीछे हो गए, फिर उसने हमको देखा, हमने उसको देखा, उसने हमको देखा, हमने उसको देखा। अबे तो मुझे क्या देख रहा है, कुत्ता उधर है, उधर देख। हमने ना उसे पूरे चिड़ियाघर में भगाया। दिखाए कैसे? दिखा दिखा। ये देखो। क्या क्या कर रही है कोयल? देख रही थी मेंढक प्रसाद को। फिर अबे फिर अबे रुक, फिर से दौड़। अबे कुत्ता जल्दी भाग रहा है तेरे पीछे, भाग। इधर आ, जल्दी आ। देखो भैया, ये भी खो दी। अबे मेरी ब्रीफकेस की चाबी भी खो दी तूने। ऐसे ही भैया, वो आली चाबी भी खो गई, जैसे ही आली चाबी खो गई। मेंढक प्रसाद इधर इधर आ। जल्दी आ, इधर आ। आना। अब अपना दिमाग लगाना बंद कर। हाँ। और एक बात सुन, ध्यान से सुनना। अभी जा गोमुख भैया और मयूरी को जगा और उसके बाद बाजार भाग और वहाँ से किसी चाबी वाले को लेकर आ। जाएगा? जी भाभी। जल्दी कर, जल्दी जा। ऐसे भाग जैसे कुत्ता पीछे पड़ा है, भाग। जेठ जी, हम आ गए। आ गए? आ गए। क्या हुआ भैया? अपना घर, पड़ोसी का घर, पड़ोसी के पड़ोसी का घर, पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी का घर, सबके घर छान मारे, चाबी कहीं नहीं मिली। पूछो जेठ जी। हाँ? अब एक ही रास्ता है। क्या निकालो?
गोमुख भैया, मयूरी रुक जाना नहीं, तुम कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। थोड़ी थोड़ी चलो चलो पढ़ो जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। सारा नहीं, मेरा हाथ टूट गया। ओ, एक काम ठीक से नहीं कर पाता गोमू कहीं के। गोमू भैया ताला तोड़िए ना। भैया हम चाबी वाले को ले आए। थैंक यू ओ भाई साहब चलिए ना, खोल दीजिए ना ताला। आइए भैया प्लीज। ताला? अरे क्या भाई साहब, मैं आपको ताला खोलने वाला लगता हूँ? मैं तो बाहर रोड पर अपनी कार के पास खड़ा था, ये आकर बोला कि आपके पास चाबी है, तो मैंने कहा हाँ है। और इतना सुनते ही आपको अपने साथ ले आया? आप किसी ताला खोलने वाले को बुलाइए ना। अरे मुझे क्यों बुला लिया? सॉरी। ठीक है मेंढक, चलिए अब तू क्या खड़ा है, चल ना। बाहें ऊपर चढ़ा ले तो ताला तोड़ूंगा। चल चाचू, मुझे बाथरूम जाना है। जोर से जोर लगा यार। भैया हम ताला खोलने वाले को ले आए। थैंक यू भाई साहब, आइए ना ताला खोल दीजिए ना। खोले ये। अरे भैया मैं कार मैकेनिक हूँ, ये बोला ताला खोलना है, मुझे लगा कार का ताला खोलना है। ठीक है भैया, हम कोई कार लेके आते, बिना कुछ खोले वापस जाना हमारे चिड़िया घर के संस्कार नहीं है। चिड़िया घर के संस्कार? ओ भाई साहब जरा इसका दिमाग खोल देंगे प्लीज। भैया फुल स्टॉप। मेंढक सॉरी भैया, आप जाइए। ओके गोमू भैया फिर ट्राई कीजिए। शुरू हो जा मेरे भाई। हाँ। फिर से हाथ टूट गया। कमाल है। अरे भाभी हाथ नहीं, इस बार ताला टूट गया। मेंढक की पोजीशन, दोनों भाइयों के एक्सप्रेशन, दोनों भाभियों की टेंशन और ताले की कंडीशन देखकर तो यही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेंढक ने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया है। हरिओम बाबूजी, अब क्या करें? एक मिनट, गोमुख गोमुख बेटा हथौड़ा फेंक दे। हाँ फेंक दे बेटा, मैं हूं ना। सॉरी हथौड़ा हूँ। हथौड़ा मतलब हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम बाबूजी, आपको पता चलेगा ना कि इसने क्या किया है, तो आप भी हमारी तरह एंग्री यंग मैन बन जाएंगे। एंग्री यंग मैन? पर बाबूजी तो ओल्ड मैन है। हरिओम हरिओम। चुप कर बाबूजी, आज तो मेंढक प्रसाद ने हद ही कर दी। भावीजन भैयास, आज के दिन मेंढक को सब माफ है। क्यों? क्यों? बेटा कपी द बंदर बात तो सही कह रहा है ना, क्या है ना कि आज तो अपने मेंढक का जन्मदिन है आज। हाँ। बेटा ये 17 साल का हो गया है। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, ये मेंढक एक्सप्रेस नैरो गेज से ब्रॉड गेज हो गई है। मैं अभी शोरूम जाकर आता हूँ। मेंढक प्रसाद स्वीट 17 .. लेकिन केक और कैंडल्स कहाँ है बाबूजी? हाँ हाँ बाबूजी, हमारे प्यारे और निराले मेंढक प्रसाद के जन्मदिन के केक और कैंडल्स, क्योंकि उसके बिना तो चिड़ियाघर का हर जन्मदिन अधूरा है। बेटा आज अपने मेंढक का जन्मदिन हम उन चीजों से मनाएंगे जिन्हें प्रकृति ने जन्म दिया है, जैसे कि कौन सी? केला, फ्रूट, अनार, मौसमी, ऑरेंजेस,
गुड आइडिया। हाँ। अरे ओ भूखा प्रसाद, पहले बाबूजी को तो खिला। अयो मारियो, बेटा मेढक प्रसाद, हम सब चिड़िया घर वालों की तरफ से तेरे लिए ये तोहफा। क्या बात है बाबूजी, ये घड़ी है? नहीं, घड़ा है, मेड इन जापान। बेटा आज तू उम्र के एक नए पायदान पे चढ़ रहा है। यहां से पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपना बचपन दिखाई देगा। हरिओ हरिओ। अरे आगे देख, आगे। और अगर यहां से सामने की तरफ देखेगा तो तुझे अपना भविष्य दिखाई देगा। बेटा मेढक प्रसाद, तूने आज जिस उम्र में कदम रखा है उस उम्र में इंसान के चरित्र और उसके आत्मसम्मान की नींव डलती है। दादाजी, ये आत्मसम्मान कोई खाने की चीज तो लग नहीं रही है, तो ये किस पिंड का नाम है? बेटा आत्मसम्मान माने सेल्फ रिस्पेक्ट, और जिसके अंदर ये आत्मसम्मान नाम का परिंदा पर नहीं मारता, समझो कि वो इंसान जिंदा नहीं होता। बेटा इंसान की सफलता के लिए उसका चरित्र और उसका आत्मसम्मान दोनों बहुत जरूरी होते हैं। करेक्ट। बाबूजी, हमारा चरित्र ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, हम अपने जीवन में सफल होंगे ना? हाँ बेटा, हाँ जरूर सफल होगा। हाँ मेंढक प्रसाद, अगर ईश्वर ने चाहा और तूने मेहनत की तो तू गिल्लू के पापा और गोमुख भैया से बहुत आगे जाएगा, देख लेना। हेलो हेलो, हम मेंढक प्रसाद बोल रहे। यस नो ओके बाय। मेंढक प्रसाद जी, ये लीजिए आपकी ग्रीन टी। भाभी, आज हमारा ग्रीन टी पीने का मूड नहीं कर रहा, येलो टी बना कर लाओ। येलो टी ट्राई करती हूँ। ठीक है। मेंढक प्रसाद जी, रेलवे ने आपकी बात मान ली है, राजधानी का रूट बदल दिया गया है, अब राजधानी चिड़ियाघर होते हुए दिल्ली जाएगी। ठीक है भैया, आप गेट के आगे पटरी बिछाने का काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन मेंढक प्रसाद जी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, चोपड़ा साहब का घर बीच में पड़ता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? चोपड़ा नहीं, पटरी। नहीं नहीं, चोपड़ा साहब का घर। तो ठीक है, आप ना पटरी चोपड़ा जी के घर के बीच से निकालिए। अच्छा,
और चोपड़ा जी के घर का नाम चोपड़ा जंक्शन रख दीजिए। वाह वाह क्या बात है। ओके मेंढक प्रसाद जी। मेंढक प्रसाद जी हरिओम। मेंढक प्रसाद जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। डॉट 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 डॉट। मेंढक प्रसाद जी आप फुल्ली एयर कंडीशन स्कूल बनवा रहे हैं और मुझे उसमें नौकरी नहीं दी, क्यों? क्वेश्चन मार्क। भैया वो यहाँ से बहुत दूर है, हम आपके लिए ना नजदीक में कोई दूसरा स्कूल बनवा देते। भैया अब तो आप नाराज नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, फुल स्टॉप। मेंढक प्रसाद आज तेरा जन्मदिन है। जन्मदिन के दिन मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? क्वेश्चन मार्क। जा चाय लेकर आ। अरे मजाक कर रहा हूँ। डॉट 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 डॉट। जा चाय लेकर आ। डॉट 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 डॉट। कोई सपना देख रहा था क्या? हाँ भाभी। बेटा बात तो तेरी सही है, मगर दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। करेक्ट। तेरी चिड़िया अम्मा हमेशा कहा करती थी कि दिन का सपना कोई ना कोई मुसीबत ही लेके आता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.